तो भाई पांच बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो कि 2024 में सबसे ज्यादा नोट छापने वाली है और जिनका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की शैतान मूवी को लेकर, जो कि अजय देवगन की एक हॉरर टाइप मूवी है और ये मूवी गुजराती मूवी वस का ऑफिशियली रिमेक है। दोस्तों मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और अगर बात करें मूवी की कास्ट को लेकर तो मूवी में अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका लीड रोल में दिखाई वाली है। दोस्तों अगर बात करें मूवी की रिलीज डेट को लेकर तो अजय देवगन की ये मूवी 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। दोस्तों नंबर दो पर है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां मूवी, जो कि एक एक्शन और ड्रामा मूवी है। दोस्तों इस मूवी का पब्लिक काफी लंबे समय से वेट कर रही है। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और साथ में दोस्तों आपको बता दें इस मूवी को 300 करोड़ के बजट के साथ तैयार किया गया है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कास्ट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी में आपको अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा और दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि मूवी में विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों इनकी ये मूवी 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। दोस्तों नंबर तीन पर है अजय देवगन की मैदान मूवी, जिसका अजय देवगन के फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट 9 से 10 बार बदली जा चुकी है। अगर दोस्तों बात करें इनकी इस मूवी को लेकर तो दोस्तों ये इनकी एक खेल मूवी है, जो कि दोस्तों सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित होने वाली है और मूवी में इनका रोल अजय देवगन निभा रहे हैं। दोस्तों इस मूवी को अमित शर्मा द्वारा डायरेक्ट किया गया है। बात करें मूवी की कास्ट को लेकर तो मूवी में अजय देवगन, प्रियमणि और कृति सुरेश मूवी में लीड रोल में दिखाई देने वाली हैं। दोस्तों इनकी ये मूवी 10 अप्रैल को बड़े मियां छोटे मियां मूवी के साथ क्लैश करने वाली है, जो कि दोस्तों एक बड़ा क्लैश होने वाला है। दोस्तों नंबर चार पर है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी, जो कि दोस्तों एक एक्शन और थ्रिलर मूवी है। दोस्तों पुष्पा मूवी के बाद हर कोई इस मूवी का काफी ज्यादा वेट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये मूवी पब्लिक को इतनी पसंद आई थी कि इसके डायलॉग आज भी सभी को याद हैं। दोस्तों आपको बता दें इस मूवी को सुकुमार द्वारा डायरेक्ट किया गया है और इस बार मूवी में आपको अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंधाना के साथ ही विजय सेतुपति, फरहाद फासिल मूवी में लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों इनकी ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब दोस्तों नंबर पांच पर है सिंघम अगेन मूवी, जो कि दोस्तों एक एक्शन और ड्रामा मूवी होने वाली है और मूवी को रोहित सेट्टी ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि अभी बॉलीवुड में जिस मूवी का सबसे ज्यादा वेट किया जा रहा है वो है इनकी सिंघम अगेन मूवी, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ मूवी में लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं और इसलिए पब्लिक इसका काफी ज्यादा इंतजार कर रही है। दोस्तों अगर बात करें इनकी इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर तो दोस्तों इनकी ये मूवी पुष्पा 2 मूवी के साथ क्लैश करने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों फिल्मों में से कौन सी मूवी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।